गुड इवनिंग ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो डेफिनेटली फ्राइडे के दिन अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो चलिए बात करते हैं हम निफ्टी फिफ्टी मंडे के दिन किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। उससे भी पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था गैप डाउन के केस में, गैप अप के केस में और फ्लैट के केस में। गैप अप और गैप डाउन तो मार्केट ओपन हुई नहीं, अब हुआ क्या, मार्केट ओपन होती है हमारी फ्लैट, फ्लैट के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था मार्केट इस कहीं पॉइंट पे आएगी। आपको ड्रॉ करवाया था ये रेजिस्टेंस लेवल और ये करवाया था आपको सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होती है तो डेफिनेटली हम वेट करेंगे इस पॉइंट पे आने का या फिर मार्केट का इस पॉइंट पे आने का। मार्केट फ्लैट ओपन होते ही यहाँ तक आई, जैसे यहाँ तक आई तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था कि हम एक पुट की कॉल यहाँ पे लेंगे 100 पॉइंट्स के लिए। तो लगभग लगभग आपको पूरे 100 पॉइंट्स का ये एक मूव मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक इजिली दिया। और आशा करता हूं कि आपने इस मूव का मजा लिया होगा, आपने डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर जो कोई भी एक लॉट से भी ट्रेड कर रहा है वो एटलीस्ट एटलीस्ट कम से कम ज्यादा नहीं तो 3,000 3,500 नियर अबाउट अर्न कर रहा होगा। तो इस उम्मीद के साथ और बिना किसी बकवास के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, इस वीडियो को आगे ले चलते हैं और मंडे के दिन के लिए डिस्कस करते हैं हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, मंडे के दिन अगर मार्केट होती है गैप अप 100+ गैप अप 100 to 150 points अगर गैप अप होती है तो आपको क्या करना है, नोट कीजिएगा। आपको करना यह है कि आपको 10:30 का वेट करना है, 10:30 का वेट करना है मार्केट कहीं भी जा रहा हो, ठीक है। मंडे के दिन अगर 10:30 की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देती है मार्केट गैप अप के केस में तो आपको एक कॉल के लिए बैठ जाना है। हाई यानी के क्लोज होना चाहिए उसके ऊपर कोई कैंडल, तो आप एक 30 पॉइंट्स का इंडेक्स का एसएल लगा के 100 पॉइंट्स के लिए आप कॉल के लिए जाएंगे। अगर मंडे को मार्केट खुलती है गैप अप 100 पॉइंट्स और तोड़ती है फर्स्ट कैंडल का फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल का लो, तो आपको तुरंत उस एक पुट की कॉल में बैठ जाना है। जैसे ही वो लो तोड़ती है या क्लोज करती है लो के नीचे तो आपको एक पुट की कॉल लेनी है और 30 पॉइंट का मिनिमम आपको एसएल लगाना है और 100 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। ये तो करिए मैंने आपसे बात गैप अप के केस में। क्या करना है अगर मार्केट होती है ओपन हमारी गैप डाउन, तो गैप डाउन अगर होती है हमारी मार्केट तो आपको 10:30 का वेट करना है। अगर वो नीचे मार्केट जाती है 10:30 के अगर क्रॉस करती है डाउन साइड में ही 10:30 तक वेट करना है, नीचे जा रही है तो आपको उसके बाद कॉल लेना है। 10:30 के बाद अगर क्लोज देती है तो पुट के लिए आपने बैठना है। अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करती है, अगर आपका हाई ब्रेक करती है क्लोज दे देती है तो आपको सीधे सीधे कॉल के लिए बैठ जाना है। 30 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा और 100 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। ये सारी बातें जो मैं आपको कर रहा हूं वाइल ट्रेडिंग आपको याद रखनी है, और जब ये आप ट्रेड करने बैठोगे तो इस वीडियो को चला लेना। जिस भी सिनेरियो में आपकी मार्केट ओपन होगी वो सिनेरियो याद रख के आपको ट्रेड लेना है, राइट। तो अगर होती है मार्केट ओपन आपकी फ्लैट, गैप डाउन और गैप अप का केस हमने डिस्कस किया, अब बात करते हैं अगर फ्लैट यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाती है, राइट, या यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाती है, राइट। अगर यहाँ कहीं देखो, दो पॉइंट मैंने आपको बताए 18180 और 18100, राइट, नियर अबाउट। तो अगर यहाँ पे ओपन होती है तो हम एक कॉल के लिए बैठेंगे, ठीक है, ऊपर। और अगर ऊपर ओपन होती है तो तुरंत अगर हम बैठना चाहें तो यहाँ से एक टारगेट ये लेके चलेंगे 1780 पॉइंट का यहाँ के लिए, ठीक है। पुट की कॉल में आप एकदम बैठ सकते हैं अगर मार्केट ओपन होती है यहाँ कहीं और मार्केट ओपन होती है यहाँ कहीं। तो फ्लैट के केस में हमें यही करना है और कुछ नहीं करना है। ये एक आपका अच्छा खासा सपोर्ट है। मेरा व्यू अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनली, मैं आपको अपना व्यू बताता हूं। मैं बुलिश हूं मंडे के दिन, और अगर मार्केट इसको क्लोज कर देती है, सस्टेन कर लेता है 18180 को, तो डेफिनेटली आपको टारगेट मिलने वाला है मंडे के दिन हमें नियर अबाउट। मैं आपको एक दिन के कैंडल पे लेके चलता हूं, ये रहा। तो आपको टारगेट देने वाला है मार्केट 18,330,
राइट, ये आपको टारगेट ये वाला 18,330 आपको लेके चलना है। अगर आपको मार्केट क्लोज देती है, सॉरी मार्केट अगर यहां से सस्टेन कर लेती है 18,180 के ऊपर क्लोज दे देते तो ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। और एक अच्छी सी सपोर्ट मैं आपको बता देता हूं, ये आपके चार्ट पे ड्रॉ होनी चाहिए। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होती है तो ये एक बहुत बहुत अच्छी सपोर्ट आपको यहाँ को देखने को मिलेगी, ये अच्छी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी ठीक है। ये एक अच्छा सपोर्ट बना रही है मार्केट, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगर मार्केट ओपन होती है इसके ऊपर तो इसका काम रहेगा, और अगर मार्केट होती है इसके नीचे तो ये डेफिनेटली इसका काम रहेगा सपोर्ट करने का, सॉरी रेजिस्ट करने का इसको ठीक है। ये डाउनवर्ड आ जाएगा फिर। अगर मार्केट ओपन होती है आपकी इस किसी पॉइंट के ऊपर तो आप एक बार के लिए कॉल के लिए बैठ सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। और इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है, जैसा बोला गया अगर वैसे करेंगे डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करके जाइएगा डेली के डेली यहां से, और चैनल में बने रहिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे चैनल को और लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो।